हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप सबका यूट्यूब चैनल द ब्लॉक कोड। अगर आप चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करो और लाइक कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। तो आज है बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, IRCTC की तरफ से है, इंडियन रेलवे की तरफ से है, नॉर्दर्न इंडियन रेलवे की भी तरफ से भी है। तो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे ने फूड रेट हाइक कर दिए हैं, और टी रेट, फूड रेट, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हाई रेट किए हुए हैं। क्योंकि टी रेट, आपको मैं बता दूँ, राजधानी शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस और हमसफर और बहुत सारी एक्सप्रेस जो हैं, जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैं, उनकी रेट हाई हो चुके हैं। चाहे वो आपके टी का हो, चाहे आपका फूड का हो, चाहे आपका फूड में, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, चाहे लंच हो या इवनिंग टी हो, तो सब हाई रेट हो गए हैं। पहले लो थे, अब हाई रेट्स में हो गए हैं। तो गए सही खबर थी कि IRCTC बिकम कॉस्टलियर, इंडियन रेलवे बिकम्स कॉस्टलियर। तो इंक्रीजिंग केटरिंग सर्विस हो गई है, केटरिंग सर्विस का जो चार्ज है वो बढ़ चुका है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट AC का चार्ज जो पहले था और अब कितना हो गया है। मॉर्निंग टी में, अब पहले फर्स्ट AC में, बिफोर मॉर्निंग में आप पहले 12-15 रुपए मिलती थी, वो अब 35 रुपए की हो चुकी है। ब्रेकफास्ट जो पहले 40 रुपए का मिलता था, सॉरी 90 रुपए का मिलता था, वो अब 140 रुपए का हो चुका है। फर्स्ट AC की बात कर रहा हूँ गाइस। लंच और डिनर जो 145 का मिलता था वो 245 का हो गया है, और इवनिंग टी जो 75 की मिलती थी फर्स्ट AC में पहले, अब वो 140 की हो गई है। तो ये हमारा फर्स्ट AC का सर्विसेज था, जो केटरिंग सर्विसेज थी जो लो थी, अब वो इंक्रीज हो चुकी हैं। तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा फर्क हुआ हुआ है, और कितने पर प्लस 20-25% और इंक्रीज हो चुका है अमाउंट, और ज़्यादा ही कह सकते हैं। तो यही स्लीपर में भी देखा जाए तो स्लीपर में भी मॉर्निंग टी अगर आप पीते थे तो 10 रुपए की पीते थे, अब वो 15 रुपए की हो गई है। ब्रेकफास्ट अगर आप स्लीपर क्लास में अगर ब्रेकफास्ट लेते थे तो 40 रुपीज़ का मिलता था, अब वो 65 का हो चुका है। प्लस अगर आप लंच और डिनर लेते थे, अगर स्लीपर क्लास में हैं आप ट्रेन में, तो पहले 80 रुपीज़ का मिलता था, अब वो 120 का हो गया है। तो मतलब 40 रुपीज़ इंक्रीज हो चुका है, 120 हो चुका है। और इवनिंग टी अगर आप 20 की लेते थे पहले स्लीपर क्लास में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 20 की मिलती थी इवनिंग टी, अब वो 50 रुपीज़ की हो गई है। तो ये स्लीपर रेट्स किसके लिए हैं गाइस? दुरंतो एक्सप्रेस के लिए हैं। स्पेशली दुरंतो एक्सप्रेस में जो स्लीपर क्लास है उसके लिए रिजनेबल रेट लगाए गए हैं, केटरिंग सर्विस बढ़ाई गई है। बाकी और जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें कुछ रेट्स अभी भी सेम है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ट्रेन है जिसमें रेट बढ़ाए गए हैं, और जैसे शताब्दी, राजधानी, हमसफर, इन सब में डायनेमिक चेंजेस भी आ चुके हैं बहुत सारा। हाइक फूड रेट्स बहुत हाइक हुए हैं। तो ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से कि IRCTC क्यों लूट रही है, वाई लूट रही है, वो क्यों लूट रही है? मैंने ये समझ नहीं आ रहा कि इतना चार्ज आप ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो। तो इससे अच्छा बंदा बाहर ही ट्रैवल कर लेगा, बाहर ही खाए पिएगा, इतना चार्ज नहीं दे सकता ना, हर बंदा नहीं दे सकता गाइस। क्योंकि मीडियम पर्सन भी है, रिच पर्सन भी है, पुअर पर्सन भी है, और उसमें हर लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो ट्रेन में कोई भी बंदा हो, हर लोग ट्रैवल करते हैं। तो उनको खाने की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन इतना महंगा मत दीजिए कि वो अफोर्ड ना कर सके। तो गाइज, यही छोटी सी खबर थी कि इंडियन रेलवे ने जो फूड हाई रेट्स किए हैं केटरिंग सर्विसेज में, तो उसको थोड़ा धीमा किया जाए, और इस पर थोड़ा सा छोटा सा एक्शन भी लिया जाए मेरे हिसाब से, कि जो फूड की केटरिंग सर्विसेज जो हाई रेट हुए हैं उसको थोड़ा मीडियम किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, कि सब लोग उसको यूज़ कर सकें, सब लोग उसको ले सकें और कोई भूखा ना रह सके। तो प्लीज़, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय।